हे hey दोस्तों, काफी टाइम से मैं एक ट्रेनिंग को समझ रहा था, सीख रहा था, और इस ट्रेनिंग ने मेरा बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम को सॉल्व तो किया ही है, मेरे देखने का समझने का एक नजरिया भी बदला है। तो बहुत डीप में मैंने कुछ समझा सीखा इतने सालों में, जो मैं अब शेयर भी कर रहा हूँ। डेरेन आर राउजर एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, उनकी कुछ ट्रेनिंग्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं, जो क्योंकि उन्होंने काफी सालों से एक्सपीरियंस लिया है फ्रांस में, और कई सारे मास्टरों से उन्होंने सीखा, और इन सबको डीप में रिसर्च करने के बाद इसके बारे में अपनी किताब में लिखा, जिसका नाम है एक्यूरेट आई। इसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी गलती से भी मिस मत करना, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज खो दोगे। एक्यूरेट आई का कॉन्सेप्ट क्या है? एक रिसर्च में ये समझ में आया, काफ़ी जो ग्रेट मास्टर्स रहे हैं उन्होंने काफ़ी सालों तक एटेलियर्स में जो इन डेप्थ ड्राइंग ट्रेनिंग होती है वहाँ पे काम करने के बाद समझा कि ड्राइंग को सीखना हम अगर कंटिन्यूस सिर्फ प्रैक्टिस करें तो क्या हमारी ड्राइंग इंप्रूव हो जाएगी? नहीं, उससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, वो क्या? हमारी आंखों को ट्रेन करना। आंखों को ट्रेन करने का मतलब, एक्यूरेट आई का मतलब, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं अगर हमें उसमें गलती नज़र आ रही है तभी हम उसको सुधारेंगे। सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैंने एक ड्राइंग बनाई, जब तक मुझे उस ड्राइंग में गलती नज़र नहीं आएगी तब तक मैं उसको सुधार नहीं सकता, तब तक वो ड्राइंग मेरे लिए बेस्ट है। जिस दिन मुझे वो ड्राइंग में गलती नज़र आई मतलब मेरी आंखें ट्रेन होनी शुरू हो गई है, अब मैं गलती खोजना शुरू कर दिया हूँ। जितना ज़्यादा गलती खोजूंगा उतना ज़्यादा ड्राइंग बेटर होती चली जाएगी। कॉन्सेप्ट ये है आंखों को ट्रेन करने का। इससे बेटर कि हम अपनी ड्राइंग को सुधारते जाएं, हमें शुरू में पहला स्टेप होता है अपनी आंखों को सुधारना, कि कैसे गलती खोजें, कि कैसे चेक करें, कि ताकि हमारा ड्राइंग का जो मिस्टेक्स है वो जल्दी जल्दी नजर आए और जल्दी जल्दी हम अपने आप को सुधारते हुए स्पीड ग्रो करें और एक्यूरेसी की तरफ बढ़ें, एक्यूरेसी ला सके अपनी ड्राइंग में। तो ये कॉन्सेप्ट है आई ट्रेनिंग का। अब इसके ऊपर मैं आपको एक एक्सरसाइज देने वाला हूं इस चैप्टर में। उस एक्सरसाइज को जब आप डेली बेसिस पे करोगे तो आपकी आंखों की ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बारीकी से इस एक्सरसाइज को ध्यान से समझना। ओके, तो शुरू करते हैं अब ये एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा जो फोटो कॉपी का पेपर आता था ना वो ले रखा है। कहने का मतलब ये है कि पेपर कोई भी ले सकते हो आप, कैसा भी पेपर चलेगा इस एक्सरसाइज को करने के लिए, ठीक है। मटेरियल भी बहुत सिंपल से, बस आपको एक स्केल चाहिए, रूलर, एक पेंसिल, एक इरेजर, ओके। और ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, तो इसका ये भी फ़ायदा है कि आप इसको कहीं भी कर सकते हो, किसी भी मटेरियल के साथ कर सकते हो, और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। तो एक्सरसाइज देखो, मैंने एक लाइन खींची अभी, ठीक है। अब इस लाइन की हमें सेंटर पॉइंट खोजनी है। इस एक्सरसाइज का नाम है सेंटरिंग, ओके, रिपीट, सेंटरिंग। कमेंट में लिखना ताकि याद हो जाए आपको। इस सेंटरिंग एक्सरसाइज में क्या करना होता है, लाइन की सेंटर पॉइंट को खोजनी होती है, और इसको खोजते समय एकदम ऑब्जर्व करना पड़ता है बिना किसी टूल के कि कहाँ पे मिडिल डॉट हो सकता है। एंड बिलीव मी, ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाने के लिए। एंड जब तक आपको फील ना हो कि आपका सेंटर पॉइंट परफेक्ट है, बार बार मिटा के ठीक करते रहना है। और जिस समय आपको लगे कि नहीं यार अब तो परफेक्ट लग रहा है, तो उस समय ये डिवाइडर लेना है और दोनों को मेज़र करना है, देखो। लेकिन जब तक ना लगे कि सेंटर में मेरा पॉइंट लगा है तब तक डिवाइडर यूज़ नहीं करना है। जब लगे कि हाँ परफेक्ट है तब इस तरीके से इसको मेज़र करना है। जैसे मैंने अभी मेज़र किया, देखा इस तरफ का लाइन छोटा पड़ रहा है, तो अब क्या करना है, इस डिवाइडर फिर से एक बार देखो, इधर इतना बड़ा था, इधर इतना बड़ा हो रहा है, लाइन छोटी पड़ रही है, तो मतलब पॉइंट थोड़ा सा इधर घसकेगा, है ना। तो इस समय फिर से आपको गैस करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे डॉट होना चाहिए। जब आपको फिर से लगे कि परफेक्ट है, बीच में आ रहा है, तब फिर से आपको मेज़र करना है, और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक आपको परफेक्ट सेंटर पॉइंट ना मिल जाए। इसलिए हमेशा शुरुआत में ये कोशिश करनी है कि बिना डिवाइडर के मदद के मैं परफेक्ट बीच में डॉट दे सकूं, ठीक है। अभी मैं फिर से दे रहा हूँ, अभी मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, बट द थिंग इज जब आप करोगे तो आराम से देख के आपको बार बार
रिपीट अपने आप को पूछना है कि क्या ये सही मैं लगाया हूँ, अगर नहीं तो उसको ठीक करो। जब लास्ट तक अगर आपको ना लगे कि परफेक्ट है तब तक आपको ठीक करना है। जैसे कि आपने देखा छोटा सा छोटा चेंज भी, जैसे कि अभी आप देखो यहाँ पे इतना बड़ा हो रहा है, यहाँ पे डॉट यहाँ तक आ रहा है, ओके, ये छोटा सा डिफरेंस भी आपको पकड़ना है। तो ये एक्सरसाइज आपको धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ ले जाती है, आपकी आंखों को एक्यूरेट बनाती है, ताकि आप बिना किसी टूल के एक टाइम के बाद सीख जाते हो कि कहाँ पे किस चीज़ को कितना बड़ा रखना है। ओके, अब जैसे आप देख रहे हो कि दोनों परफेक्ट है, दोनों लाइन इक्वल है, देन इट इज़ डन। अब अगली चीज़ पे हम बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को करते समय कुछ रूल्स और हैं, जैसे कि जब भी आप लाइन खींचो अपने पेपर को आपको 45 डिग्री में घुमाते जाना है, ठीक है, हर लाइन के बाद अपने पेपर को 45 डिग्री में घुमाना है। ऐसा क्यों? ताकि आपकी आंखों को आदत न पड़े सेम तरीके के एंगल को जज करने की। जब जब एंगल बदलता है आंखें रिफ्रेश होती हैं, ओके, वरना आंखों को आदत हो जाती है सेम लाइंस देखने की, ऐसे में जल्दी फिर आप खोजते चले जाते हो। तो पेपर को भी घुमाते रहना आपको हर एक अटेम्प्ट में 45 डिग्रीज में, और लाइन की साइज़ धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो ताकि डिफ़िकल्टी बढ़ती चली जाए। तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि एक्सरसाइज आप क्यों कर रहे हो, क्यों ये एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों मास्टर्स, ग्रेट मास्टर्स इन सभी एक्सरसाइज को रेकमेंड करते हैं एटेलियर इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स में। समझो, जब भी हम लाइव ड्रॉ करते हैं, फिगरेटिव बना रहे हो या फिर फ्री हैंड फोटो से ही बना रहे हो, कैसे भी अब जब आप फ्री बनाते हो ना, फ्री हैंड लाइव ड्रॉ करते हो, तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है प्रपोर्शन को, कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है सिर्फ देख के। उस समय हमारे पास कोई टूल नहीं होता कि जाके मेजरमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे अभी इस स्क्रीन में देख रहे हो, आपको अगर मेरे चेहरे को ड्रॉ करना है, या फिर मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे ड्रॉ कर रहे हो, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि लाइन कितनी बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन कितनी बड़ी है, इधर से लाइन कितनी बड़ी है, ये आप सिर्फ देखोगे और फ्री हैंड ऑब्जर्व करोगे। तो जिसकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा अच्छी होगी वो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा बना पाएगा, जिसकी ऑब्जर्वेशन कम अच्छी होगी वो कम अच्छा बना पाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई वो आपकी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाती है। कौन कितना अच्छे से उस लाइन को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकेगा, ये एक्सरसाइज उसको उस चीज़ में हेल्प करती है। ओके, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाती है कि आप सही जजमेंट ले सको जब भी आप कोई लाइन खींचो, ठीक है। और जितना ज़्यादा आपका प्रपोर्शन सुधरते जाएगा, उतना ज़्यादा आपकी ड्राइंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती जाएगी। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि क्यों ये सारी एक्सरसाइज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिकेट के मैदान में एक क्रिकेटर किसी को बनना है, उसको बहुत अच्छी फील्डिंग करनी है, बहुत अच्छा प्लेयर बनना है, बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो सिर्फ ये नहीं कि उसको बैटिंग करनी है तो सिर्फ वो बैटिंग की प्रैक्टिस किया उसने हो गया। उस प्लेयर को बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है, अपनी डाइट के ऊपर काम करना पड़ता है, अपनी फिटनेस बढ़ानी पड़ती है, अपना पेशेंस बढ़ाना पड़ता है, अपना जो स्टेमिना है उसको बढ़ाना पड़ता है, ओके, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी पड़ती है अपनी बॉडी की, ताकि जब बैट को वो मूव करे या फील्डिंग के दौरान वो अलग अलग कैचेस ले, ओके, तो बहुत ज़्यादा चोटें आने की चांसेस रहती हैं। तो अगर बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो अच्छी फील्डिंग नहीं कर पाएगा, अच्छा बैट्समैन नहीं बन पाएगा। कोई बॉलर है, अगर उसकी बॉडी फिट नहीं है, उसमें स्टेमिना नहीं है, तो अच्छा बॉलर नहीं बन सकता। ये सारी चीज़ें मैटर करती है। वैसे ही ये सारी जो एक्सरसाइज है ना, ये आपकी आँखों को ट्रेन करती है। आप मान लो इन एक्सरसाइज को करके अपनी आंखों को ट्रेन कर लेते हो, फिर जब आप मैदान पे उतरोगे, मैदान पे उतरना मतलब रियल लाइफ से ड्रॉ करना, उस समय आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो ये आपको मैदान में जाने से पहले आपको एक तैयार करती हैं, ओके। तो इस तरीके से अगर आप समझते हो तो आपको समझ आएगा कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी एक्सरसाइजेस। तो अब मैं आपको एक और एक्सरसाइज बताता हूँ जो आपके प्रपोर्शन जजमेंट एबिलिटी को बढ़ाएगी, ओके। ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। लेट स्टार्ट। तो शुरू करते हैं दूसरी एक्सरसाइज। यहाँ पे मैंने पेपर लिया है, सिंपल सा, कोई भी पेपर ले सकते हो, एंड साथ में मैंने एक ट्रेसिंग पेपर भी लिया है, और उसका क्या उपयोग होगा मैं बताऊंगा आपको, ओके। तो ये भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बट बहुत इंपॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इसका नाम है डिस्टेंस, ओके। डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं किसी चीज़ को, प्रपोर्शन जजमेंट कैसे इससे बढ़ती है आपकी, इसमें भी क्या करना है, देखो आपको एक लाइन खींचनी है, इस लाइन को कहते हैं नोन, ओके। वैसे कहते नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। नोन मतलब कि ये लाइन आपको पता रहेगी, और ये जो सेकंड वाली लाइन मैं नीचे खींच रहा हूँ ये है अननोन, ठीक है।
नोन और या अननोन कैसे है मैं बताता हूँ आपको। एक और कर लेते हैं, एक लाइन कितनी भी बड़ी, ठीक है, ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी खींचनी है, शुरू में छोटी लेकिन धीरे धीरे हम उसकी साइज़ को बढ़ाते हैं ताकि वो और डिफ़िकल्ट हो। तो एक लाइन खींचा मैंने और एक दूसरी लाइन खींचूंगा मैं इसके नीचे, कहीं से भी खींच सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको इतनी ही बड़ी खींचनी जितनी मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि करना कैसे। अब यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर आपको लेना है और जो नोन है, मतलब नोन मतलब जो हमें पता रहेगी, पता कौन सी रहेगी, ऊपर वाली, तो ऊपर वाली लाइन को कॉपी कर लेना है, ट्रेस कर लेना है, ठीक है। ट्रेस कर लिया, जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी एग्जैक्ट। अब कॉपी हो गई, ऊपर वाली लाइन आ गई, सेम चीज़ इस वाले के साथ भी कर लेते हैं। मैं आपको दो ठो एग्जांपल दे रहा हूँ, वरना करते वक्त कम से कम इसको आधा घंटा करना होता है, तो 10 से 15 लाइन की एक्सरसाइज की जाती है एक बार में। तो ये दोनों लाइन मिल गई, अब हमें अननोन को खोजना है, ठीक है। अभी अननोन को खोजना है, अननोन जो है वो है सेकेंड वाली छोटी वाली लाइन। यहाँ पर हमारा काम ये है कि हमें ये ऑब्जर्व करना है कि दूसरी वाली लाइन कितनी बड़ी है एज़ कम्पेयर्ड टू ऊपर वाली लाइन। ऊपर वाली लाइन हमें पता है इसलिए उसको नोन बोल रहे हैं हम, सेकंड वाली अननोन है, हमने गैस किया। अब हम इसको इस तरीके से चेक करेंगे एक के ऊपर एक रख के। यहाँ पे भी वही है कि आपको जब तक लगे ना कि आप परफेक्ट बनाए हो तब तक आपको चेक नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि परफेक्ट है, सेकंड वाले को देखते हैं। अब ऊपर वाली लाइन हमने खींची हुई है, अब इससे ये कितना दूर है, यहाँ तक आ रहा है करीब, तो यहाँ से हम करीब यहाँ से शुरू करेंगे। देख रहे हो ये छोटे छोटे एक्सरसाइज किस तरीके से आपको गाइड करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आएगा। ये सब चीज़ें फ्री हैंड चल रही हैं, आप देख सकते हो कि इसमें मैं कोई भी टूल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। एंड ट्रेसिंग पेपर आपको एज ए टीचर हेल्प करता है, आपको गाइड करता है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। तो इसलिए ये सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो अकेले में स्टूडेंट्स करके अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ट्रेन कर सकते हैं। अब देखो मैंने सेकेंड लाइन छोटी वाली लाइन है उसकी डिस्टेंस को ऑब्जर्व किया, अब इसको हम एक के ऊपर एक रख के चेक करेंगे, ठीक है। इसको इसके ऊपर रख के हम चेक करेंगे, पहले अगल बगल में रख के बहुत देर तक आपको देखना है कि क्या आपकी लाइन परफेक्ट लग रही है, उतनी ही बड़ी दिख रही है। जब आपको लगे कि हाँ सब कुछ सही लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है, तब आप ट्रेसिंग पेपर को अपनी एक्चुअल लाइन के ऊपर रख के चेक करोगे, ओके। और ये जब आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होता है ना, तो यही सारी चीज़ें पोर्ट्रेट में, फिगरेटिव ड्राइंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। भले ही आप फोटो से बना रहे हो या रियल लाइफ से बना रहे हो, आपकी ऑब्जर्वेशन की शक्ति बढ़ जाती है, फिर आप गेस कर पाते हो कि कौन सी लाइन कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि बहुत छोटा सा डिफरेंस आ रहा है, आपने देखा कि सेम साइज़ नहीं आ रही है। जैसे कि मैं आपको पास से दिखाता हूँ, नीचे वाली लाइन को देखो और जो मैंने अभी बनाई है देखो, छोटा सा डिफरेंस आ रहा है, बहुत थोड़ा सा है ना, लेकिन ये डिफरेंस भी ज़रूरी है। तो जब डिफरेंस दिखे तो वापस हमें दोनों पेपर को, ट्रेसिंग पेपर को हमारा नॉर्मल पेपर से अलग करना है और दोबारा रेक्टिफाई करना है, ठीक है। रेक्टिफाई करते समय भी हम ऑब्जर्व करके रेक्टिफाई कर रहे हैं, ये नहीं कि एक के ऊपर एक रख के मार्क कर दिया, ऑब्जर्व करके रेक्टिफाई कर रहे हैं, फिर दोबारा चेक कर रहे हैं, फिर अगर गलती हुई फिर अलग करेंगे, फिर रेक्टिफाई करेंगे, फिर दोबारा ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा चेक करेंगे। इस तरीके से ये प्रोसीजर चलते जाता है, लेकिन हर बार ये ध्यान रखना है कि तब तक चेक नहीं करना है जब तक हम अपना पूरा 100% ना दे दें और हमें ये फील होने लग जाए कि हमने परफेक्ट बना लिया है, ठीक है। अब देखो ये इक्वल साइज़ का लग रहा है तो ये सही है, अब हम नेक्स्ट फिर एक और अटेम्प्ट ले सकते हैं। इसी तरीके से एक बार में 10 से 15 बार हम अटेम्प्ट करते हैं हर दिन, और इसी तरीके से हमारा वार्म अप होता है, डेली बेसिस पे हमारी आंखें ट्रेन होती चली जाती हैं। और ऐसे आप कई सारे एक्सरसाइज कर सकते हो, कई बार इसको ऐसे इस तरीके से कर सकते हो, हर बार आप 45 डिग्री में इसको भी घुमा सकते हो ताकि इसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती चली जाए, और लंबी लंबी लाइंस भी ले सकते हो ताकि डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ती चली जाए, ठीक है। दोनों ही एक्सरसाइज का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना ताकि मुझे पता चले कि आप ध्यान से वीडियो को देख रहे थे। तो अगर आपको ये लेसन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरी पूरी कंप्लीट ड्राइंग ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो, जहां पे आप सीखोगे कि आपको डेली किस तरीके की एक्सरसाइज करनी है ड्राइंग में। ज्यादातर लोग फाइन आर्ट्स में इसलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो टेक्निक्स पे काम करते रहते हैं बिना प्रिंसिपल्स को समझे। सारी चीजें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से जा रही हैं। ये सारे कैसे अपने आंखों को ट्रेन करना है आप सीखोगे कि रियल लाइफ से कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे स्टिल लाइफ को सेटअप किया जाता है, कैसे हेड स्टडी की जाती है।
इस लाइटिंग को इस्तेमाल करते थे कि लाइट फोरग्राउंड को डिटेल्स टेक्सचर ज़्यादा और फिर धीरे धीरे हम चीज़ों को कैसे शॉर्ट स्केचेस एंड लॉन्ग स्टडीज की जाती है सारी चीज़ें रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आप सीखोगे। साथ ही साथ यहाँ पे 15 डेज का रिफंड गारंटी भी है। 15 डेज तक आपको सारी टेक्निक्स मिलेंगी, सारे लेसन्स मिलेंगे, उसके बाद आप खुद चेक कर सकते हो। 15 डेज तक यूज़ करो, उसके बाद देखो कि आपको कैसा लग रहा है, उसके बाद आप चाहो तो आप इसको छोड़ सकते हो या फिर आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। इसके साथ ही हमने एक कम्युनिटी बनाई है, सारे जो मेंबर्स अभी तक यूनिवर्सिटी का पार्ट हैं, इस ड्राइंग ट्रेनिंग का पार्ट हैं, हमारी एक प्राइवेट कम्युनिटी है फेसबुक पे, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स अपनी डेली आर्टवर्क की प्रैक्टिस को शेयर करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाते हैं, एक दूसरे को पार्टनर बनाते हैं, एक दूसरे को होमवर्क देते हैं और इस तरीके से वो फास्टर वे में ग्रो कर पाते हैं। साथ ही साथ वो जो सीख रहे हैं उसको अपने तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो ये सारे टास्क वो फेसबुक कम्युनिटी में परफॉर्म करते हैं, जिससे आर्ट की स्पीड इंप्रूव करने की स्पीड 10 गुना 100 गुना फास्टर हो जाती है। तो अगर आपको इस ड्राइंग ट्रेनिंग का पार्ट बनना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप पूछ सकते हो। और एक नया यूट्यूब चैनल भी मैंने शुरू किया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वहां पे वीडियोस डलनी शुरू हुई हैं, आगे भी बहुत डलेंगी, तो उसको भी आप जरूर चेक करना, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड अब मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।